नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 2 सितंबर 2023 शनिवार का दिन है और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष आज तृतीया तिथि है। नक्षत्र है आज उत्तरा भाद्रपद। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:47 से लेकर दोपहर 12:37 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा आज सुबह प्रातः 5:49 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहेगी मीन राशि पर। आज का जो अशुभ काल का समय रहेगा तकरीबन रहेगा दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 2:35 तक रहेगा। इस अशुभ काल में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत न करें, नहीं तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की और यह प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि के जातकों, आज इनकम बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, कैरियर में आज पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। हालांकि कैरियर में नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, इसलिए आज मिथुन राशि के जातकों थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। वाणी पर विराम लगाने की जरूरत है, संयम से काम लें, अन्यथा काम भी बने बनाए बिगड़ सकते हैं। ऑफिस का माहौल थोड़ा सा गहमागहमी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज आपको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही मिथुन राशि के किसी नज़दीकी मित्र से आज अपमानित या फिर कुछ न कुछ आज आपके पीठ पीछे कोई आपकी बुराई कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मान सम्मान में कुछ ठेस पहुँच सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आज आपको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। कैरियर में पहले से हालांकि सुधार होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उच्च अधिकारियों को सपोर्ट प्राप्त होगा, लेकिन स्टाफ के लोगों को सहयोग से काम लेना होगा। साथ ही साथ व्यापार में भी आज आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। व्यापार में आज आपको मिला जुला असर देखने को मिलेगा, न बहुत ज़्यादा अच्छा और न ही बहुत ज़्यादा खराब। साथ ही बता दें कि आज घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाई रहेगी। दाम्पत्य जीवन पहले से कहीं अच्छा रहेगा, एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, एक दूसरे का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ जो दूरियां थी वो नज़दीकियों में बदल जाएगी, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में खुशियां, लव लाइफ अच्छी रहेगी। लव पार्टनर को आज कुछ गिफ्ट और उपहार देंगे, उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। साथ ही मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर लाभ होगा, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। स्टूडेंट हैं जो विद्यार्थी हैं, आज आपका पढ़ाई लिखाई पर फोकस बना रहेगा। जितना ज़्यादा आप पढ़ाई लिखाई पर फोकस करेंगे, उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। साथ ही आज रिश्तों में मधुरता रहेगी। व्यापार के क्षेत्र में लाभ होगा, कारोबार में विशेष लाभ होगा, रुका हुआ फसा हुआ धन प्राप्त होगा। जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण शुभ समाचार मिल सकती है। घर परिवार में भी कुछ संतान को लेकर गुड न्यूज प्राप्त होगी। और साथ ही साथ आज नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत पार्टनर में करते हैं तो पारदर्शिता रखना होगा। बैंक से कोई लोन वगैरह मंजूर होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और धन की स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी। साथ ही विदेश जाने का योग बनेगा और इनकम बढ़ेगी। पुरानी जमीन प्रॉपर्टी जो काफ़ी समय से नहीं बेच पा रहे थे किसी कारणवश, वो विवाद खत्म होगा और पुरानी प्रॉपर्टी बेच पाएंगे। साथ ही बता दें कि धन का संचय करेंगे, धन लाभ का योग बनेगा और साथ ही इनकम पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ेगी। आज मित्र के सहयोग से भी धन लाभ होगा, रिश्तों में मधुरता रहेगी, घर परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। गाड़ी वाहन का प्रयोग थोड़ा देख कर करें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें वरना दिक्कतें होंगी। हालांकि कई बड़े क्षेत्रों से चमत्कार देखने को मिलेगा, कई बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, नज़दीकी लाभ होगा। साथ ही आज कोई घर में शुभ कार्य धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं। घर में किसी कार्य के आयोजन होने से मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों का प्यार मिलेगा तो वहीं माता पिता का भी सपोर्ट प्राप्त होगा। साथ ही बता दें कि लंबे समय से कोई प्लानिंग बना रहे थे, अगर बहुत बड़ी घर परिवार या फिर कोई बिजनेस व्यापार को लेकर, तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। साथ ही इनकम बढ़ेगी और गवर्नमेंट क्षेत्र में अगर कोई एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पेट की समस्या, एसिडिटी, गैस, लीवर से संबंधित कोई बीपी वगैरह की समस्या देखने को मिलेगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज आपका शुभ रंग रहेगा नीला, भाग साथ निभा रहा तकरीबन आपका 75%, और शुभ अंक रहेगा आज आपका 5। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।